गए तो कैसे आप सब तीन चार दिनों के हमारी जो बाइक है वो पूरी पूरी हमने होंडा साइन में कन्वर्ट कर दी है। जो ये पैशन प्रो थी इसको हमने कन्वर्ट किया होंडा की साइन में। जो पूरी हमको बॉडी किट मिली थी ये पूरा हमको बॉडी किट के अंदर मिला था। ये हैंडल हमने अलग से लिया है। जो बात करता हूँ इसकी स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर हमने होंडा से जेन्युइन परचेस किया है। जो उसकी सीट कवर है वो भी हमने बाहर से बनवाई है। जो पूरी पूरी बिल्ड को बिल्ड की बात करता हूँ ये पूरा पूरा हमको बॉडी किट के अंदर मिला था। जो चेसी की बात करता हूँ, जो चेसी हमको मिली थी जो हमने खुद हैंडमेड बनाई है। बात करते हैं थोड़े मोड़े पार्ट्स की, जो आप अगली वीडियो में आप देख सकते थे। जो इसका जो ये सिस्टम था हमने वही का वही पैशन प्रो वाला इसमें लगाया, क्योंकि पूरी पैशन प्रो को हमने 50-50 किया है। जहाँ बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट हमने पूरा पूरा होंडा से जेन्युइन परचेस किया है। पूरा होंडा से हमारा जेन्युइन परचेस है। ऑल राइट गाइस, तो टायर की बात करते हैं। टायर उसका था 17 इंच का, तो हमने इसमें 18 इंच का अलॉय लिया है। प्लस जो टायर की प्रोफाइल थोड़ी सी बड़ी की है, क्योंकि उसका टायर थोड़ा छोटा लग रहा था। जो मडगार्ड की बात करते हैं, ये मडगार्ड भी हमको किट के अंदर मिला था। जो एयर स्पेंसर है जो हमने पैशन प्रो वाले इसमें फिटिंग की है। बात करें ORM की, ये मैंने लोकल शॉप में से ली है। बात करते जो लाइट वाली थ्रो आपने देखी थी, इसकी लाइट की थ्रो कैसी आ रही थी, वो आपको नीवी कीवी की लाइट थी, इसमें मैंने इंस्टॉल की थी। एक बार आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके दिखाता हूँ। पूरा पूरी पूरी हमने हैंडमेड की बनवाई है। अभी की इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ। फर्स्ट 1, 2 एंड 3 द बीस देख सकते हैं। इंजन लाइट आ रही है, न्यूट्रल लाइट आ रही है, जो मीटर का कांटा वो भी चालू है, इस साइड वाला भी कांटा चालू है। बट ये हमने जेन्युइन होंडा से लिया है, थोड़ा सा चला हुआ है क्योंकि ये सेकेंड हैंड है। बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो इसकी जो की है 1, 2 एंड 3। हाल इस गाड़ी की आवाज़ देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट आवाज़ की हमने इसके अंदर। बात कर रहे हैं इसकी टंकी की, जो भी हमने किट के अंदर मिली थी। इसके अंदर मोटर इंस्टॉल है, क्योंकि BS6 वाली हमने टंकी ली है। खाली मोटर की आवाज़ सुन सकते हैं आप। 1, 2 एंड ओके गाइस, अब इसको फाइनली हम जो स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3। चेक आउट गाइस, बीस्ट इसकी आवाज़ है वो एकदम साइलेंट की हमने, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत लाउड थी। थोड़ा इंजन को हमने दबाया क्योंकि इंजन आवाज़ ज़्यादा कर रहा था बुलेट के साथ। थोड़ा सा इंजन दबाया, साइलेंसर को ऐसे किया पतला। जो इधर बैंड पाइप है इसको भी हमने थोड़ा बड़ा किया, इधर जालियाँ लगाई है तो इसकी आवाज़ आए कम। करते हैं बाइक की, अभी इसके अंदर PPF और सिरेमिक कोटिंग का काम पूरा कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे काम चालू हो गया है। और बात करते हैं इसकी लाइटों की, लाइटें पूरी ऑन है। 1, 2 एंड 3 लाइट देख सकते हैं, इंडिकेटर लाइट ऑन है, सारी लाइटें ऑन है। आगे वाली लाइट भी ऑन करके दिखा रहा हूँ। अब इसकी लेंगे थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, जो इसका स्टैंड है अभी भी पैशन प्रो वाला है, हल्का सा ऊपर करूँगा। तो बात करते हैं क्लच की, जो क्लच भी हमने पैशन प्रो वाली रखी है। 1, 2, 3 क्लच डाउन एंड गियर लगाऊंगा। फर्स्ट गियर, तो फर्स्ट गियर में देखा अभी तो वो बाइक पूरी कंडीशन में नहीं थी, हमने इसका इंजन वीजन सब चेंज कर दिया है। देख सकते हैं बाइक एकदम रनिंग कंडीशन में। इनके सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और हमारी पूरी बाइक भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इस बाइक को हम लोग करेंगे इसका एवरेज टेस्ट और इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है वो चेक करेंगे। तो हमारे से जुड़े रहे, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करेंगे।